थ्री देखिए, यहाँ पे इसको हमें प्रूव करना है। इसमें भी हम लोग पहले साइन फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन फॉर्मूला ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बाई में साइन ए इक्वल टू बी बाई में साइन बी इक्वल टू में सी बाई में साइन सी इक्वल टू के, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू में के साइन ए, बी इक्वल टू में के साइन बी और सी इक्वल टू में हो जाएगा के साइन सी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका LHS वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट, तीन पार्ट में है ना जी, फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। ए इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस का कॉस ए। एक काम करते हैं, यहाँ पर टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ठीक है, टू से डिवाइड और अंदर टू से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस बी कॉस सी प्लस का टू कॉस ए। अब इसके बाद देखिए, वन बाई टू ए, ए के वैल्यू बाद में रखा जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूले पे सेट हो गया, ये टू कॉस बी कॉस सी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस कॉस, यहाँ ए और बी की जगह बी और सी ना है, कॉस बी प्लस सी इन प्लस में कॉस बी माइनस सी, समझे ना बात को। अच्छा, और प्लस में टू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, बी प्लस सी को देखिए क्या करते हैं, वन बाई टू ए अंदर कर देते हैं, कॉस 180 माइनस का ए कर दें ठीक है, और प्लस का कॉस बी माइनस सी और प्लस का टू कॉस ए। अब इसके बाद देखिए, वन बाई टू ए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का कॉस ए हो जाएगा और प्लस कॉस बी माइनस सी और फिर प्लस टू कॉस ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा वन बाई टू। अच्छा, ए का वैल्यू रख दे क्या, के साइन ए अंदर हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए और प्लस का कॉस बी माइनस सी। अब ये साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो के बाई टू, यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस ए और प्लस का साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं के बाई टू साइन ए कॉस ए और प्लस का, यहाँ साइन ए के जगह पे कर देते हैं 180 माइनस का बी प्लस सी और इंटू में कॉस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, के बाई टू साइन ए कॉस ए और प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस बी प्लस, ये साइन बी प्लस सी हो जाएगा और इंटू में कॉस बी माइनस सी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ टू से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ फोर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा टू साइन ए कॉस ए और प्लस का टू साइन बी प्लस सी इंटू में कॉस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका के बाई फोर, ये साइन टू ए हो जाएगा, ये साइन टू ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन साइन टू बी प्लस साइन टू सी का फॉर्मूला, जानते हैं ना जी, साइन सी प्लस साइन डी का टू साइन, इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे और फिर कॉस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके टू से डिवाइड करेंगे, तो यही ना आएगा जी, तो इससे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग इसके वैल्यू की बात करेंगे, तो इसका हमें पता है कि इसका जो वैल्यू होता है साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी का, या किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये इक्वल होता है आपके फोर साइन ए साइन बी साइन सी के, तो यहाँ फोर से फोर कट जाएगा, यानी आ जाएगा के साइन ए साइन बी साइन सी। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड वाले पार्ट की बात करें, अब सेकेंड वाले पार्ट की बात करें, तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या था आपका, देख लीजिए आपके ऊपर क्या दिया हुआ है, बी इंटू में कॉस ए कॉस कॉस सी कॉस ए और प्लस में कॉस बी। चलिए देख कर देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट क्या है, बी इंटू में कॉस सी कॉस ए और प्लस का कॉस बी, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे उसी तरह से सेम जैसे मैंने इसमें बताया है, तो इसका भी आ जाएगा के साइन ए साइन बी साइन सी, सेम इसी तरह से करना है सिमिलरली। आप चाहो तो मैं करके इसको दिखा देता हूँ ऐसे, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। आप यहाँ टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई करो, बी बाई टू अंदर हो जाएगा टू कॉस सी कॉस ए और यहाँ पे टू कॉस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई टू बी, यहाँ पर देखिए अब इसके फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ देखिए
ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस सी प्लस ए और प्लस में कॉस सी माइनस ए का और प्लस टू कॉस बी, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग 1 बाई टू बी, यहाँ पे इसका चेंज करेंगे तो कॉस, इसे हम लोग 180 और माइनस का b लिख सकते हैं और प्लस में कॉस c माइनस ए प्लस का 2 कॉस b। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 1 बाई टू बी, यहाँ पे ये माइनस का कॉस b हो जाएगा और प्लस में कॉस c माइनस ए और प्लस का 2 कॉस b, 2 कॉस b और एक माइनस का कॉस b, तो यहाँ पे कॉस b हो जाएगा। 1 बाई टू बी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस b प्लस का कॉस c माइनस ए। चलिए अब आगे यहाँ पर आगे हम लोग इसको देखते हैं। अब इसके बाद देखिए 1 बाई टू बी के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं k साइन b और इंटू कॉस b प्लस का कॉस a माइनस कॉस c माइनस ए। चलिए अब एक अगले स्टेप में देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे k बाई टू, यहाँ ऐसे रहने दो, अंदर हो जाएगा साइन b कॉस b और प्लस का साइन b इंटू में कॉस c माइनस ए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, फिर से हम लोग 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k बाई टू और फिर 2 करेंगे तो 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, अंदर हो जाएगा 2 साइन b कॉस b और प्लस का 2 साइन b के प्लेस पे लिख देते हैं 180 माइनस का आपका आ जाएगा a c प्लस a। ठीक है, और फिर इंटू में है कॉस c माइनस ए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए k बाई फोर, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2b का और प्लस 2 साइन, यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a। ठीक है, और यहाँ पे है कॉस c माइनस ए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, देखिए k बाई फोर इंटू में साइन 2b, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2c प्लस साइन 2a का। ठीक है, इसको साइन सी प्लस साइन डी वाले पे चेंज करोगे इसको तो ये आ जाता है, तो इसका अपोजिट हम लोग ये लिख सकते हैं ना जी। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया इसका क्या हो जाएगा, आपका 4 साइन ए साइन बी साइन सी होगा, तो यहाँ से 4 आपका कट जाएगा, आ जाएगा के साइन ए साइन बी साइन सी, ये वाला ये भी हो गया। सिमिलरली थर्ड वाले को भी आप इसी तरह से दिखा सकते हैं, तो हम लोग इसको थर्ड वाले को लिख देते हैं इसी तरह से, सिमिलरली आपका c इंटू में cos a cos b प्लस में cos c इक्वल टू में k sin a sin b sin c। हेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि a cos b cos c प्लस cos a इक्वल टू में b cos c प्लस इंटू में cos a और प्लस cos b इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका c इंटू में cos a cos b प्लस का cos c। हमने सबको प्रूव कर दिया, तीनों इक्वल हो गए, है ना, समझ गए। चलिए चलिए।